हमारा कैसा चल रहा है सारा कुछ? अल्लाह करे बहुत अच्छा। मैंने सोचा आज आपको विजिट करें और संडे वाले दिन आपको विजिट करें ताकि आपकी संडे की एक्टिविटी भी पता चले। बहुत दिन हो गए आपसे मुलाकात नहीं हुई, और क्योंकि आप भी बिजी होते हो आम दिनों में वर्किंग आवर्स में, तो आपके स्टूडेंट्स और इस वजह से हमने इस टाइम आपको आज आपसे किया है। तो हाउ इज एवरीथिंग देयर? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। आपके स्टूडेंट्स भी हैं? हाँ, तो अभी क्या चल रहा है स्टूडेंट्स? क्योंकि संडे है, फ्री टाइम है, राइट, तो बच्चे जो हैं मुख्तलिफ एक्टिविटीज में लगे हुए हैं। अच्छा। कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ लोग रिसर्च कर रहे हैं किसी चीज के ऊपर। तो आज आप हमें अपने स्टूडेंट्स से भी मिलाएंगे? कैसा चल रहा है सब कुछ? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है, अल्लाह का शुक्र। हम कुछ इनफॉर्मल बातें करेंगे अपने स्टूडेंट्स के लिए, आपके स्टूडेंट्स के लिए, पाकिस्तान के लिए, कि आप क्या कर रहे हैं और किस तरह से ये सारा कर रहे हैं, तो थोड़ा सा गाइड करेंगे। आज संडे है तो आज आप अभी भी क्लास हो रही है, आपके स्टूडेंट बैठे पढ़ रहे हैं, तो क्या एक्टिविटीज है, इनको क्या कर रहे हैं? असल में जो है इनकी वर्किंग डेज जो है वो मंडे से लेकर सैटरडे तक होते हैं, फिर संडे को इनकी छुट्टी होती है, तो ये डिफरेंट एक्टिविटीज कर रहे होते हैं, जिसमें PS4 है हमारे पास जिसमें ये वर्चुअल रियलिटी एक्सपीरियंस करते हैं, और उसके अलावा जो है ये TV इनके पास मौजूद है तो ये उसमें होते हैं। कुछ बच्चे हाइकिंग, उनका शौक होता है तो हाइकिंग के लिए भी ये जाते हैं, और संडे के दिन क्योंकि फ्री टाइम होता है तो ये क्रिकेट भी खेलते हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं, स्पोर्ट्स भी खेलते हैं, और उसके साथ साथ इंजॉय करते हैं। तो ये संडे को अपने घरों में नहीं जाते, फैमिली के पास नहीं जाते? बिल्कुल, कुछ बच्चे हैं अभी ये जितने भी अफ्रीदी बच्चे हैं जिनसे मैंने आपको मिलवाए, इनका घर यहाँ पे नज़दीक है, ये चक्षेजाद में रहते हैं, तो हर सैटरडे को जो है इनके भाई आते हैं और ये जो है घर चले जाते हैं, फिर संडे को या मंडे को ये लोग वापस आ जाते हैं। आप मोहम्मद एजेंसी के जो बच्चे हैं वो भी जाते हैं और विजिट करते हैं अपने घर के, सब लोग करते हैं। मंडे से फ्राइडे तक या सैटरडे तक इन बच्चों की क्या रूटीन होती है डेली? इनका जो रूटीन है वो अर्ली इन द मॉर्निंग 6 AM ये लोग उठते हैं, उसके बाद फ्रेश होकर नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ने के बाद ये लोग कुरान मजीद की रिसाइटेशन करते हैं, और उसके बाद जो है ये नॉर्मल डेज में एक्सरसाइज के लिए जाते हैं क्योंकि विंटर है तो ये शाम के टाइम पे फिर जाते हैं, तो एक्सरसाइज के बाद फिर इनकी जो है 8 o'clock जो है नहीं 7 o'clock इनका ब्रेकफास्ट होता है, और 8 o'clock इन द मॉर्निंग इनकी क्लास स्टार्ट हो जाती है, जिसमें ये बच्चे जो है साइंस हो गया और सोशल स्टडीज हो गई, उर्दू हो गई, और ऐसे जो एकेडमिक स्टडीज हैं उन पे ऊपर काम करते हैं। उसके बाद जो है 11 बजे जो है ये बच्चे फिर इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास इनकी शुरू हो जाती है, जिसमें अंग्रेजी जबान सीखते हैं और अपनी स्किल्स को या किसी भी लैंग्वेज को सीखने की और उसको इम्प्रूव करने की स्किल्स को जो है ये इम्प्रूव करते हैं सारे बच्चे। फिर उसके बाद 1 बजे इनकी छुट्टी हो जाती है, 1 बजे ये लोग सबसे पहले जाते हैं डाइनिंग रूम, वहाँ पर लंच करते हैं, उसके बाद आके वजू करके नमाज पढ़ते हैं, बाजमात नमाज पढ़ते हैं सारे बच्चे, और उसके बाद जो है फिर आधे घंटे का रेस्ट लेते हैं, और 3 बजे जो है इनकी फिर दोबारा क्लासेस स्टार्ट हो जाती है 3 बजे से लेकर 5 बजे तक, जिसमें ये अपनी क्वालिटीज़ हो गई, अपनी जो एबिलिटीज़ हो गई, अपनी जो गलतियां हैं, जो वीकनेसेस हैं उनको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने की, इन सारी क्वालिटीज़ और ऐसे डिफरेंट फील्ड्स हैं जिसके ऊपर ये बच्चे काम करते हैं। फिर 5 बजे टी ब्रेक होता है इनका, जिसमें ये लोग स्नैक्स भी लेते हैं और टिफिन चाय पीते हैं और अपने आप को रिफ्रेश करते हैं, फिर उसके बाद शाम की नमाज के लिए रेडी होते हैं, और उसके बाद जो है फिर इनकी IT की क्लास स्टार्ट होती है, जिसमें कंप्यूटर लैंग्वेज हो गया, कंप्यूटर एक्सपर्टीज हो गई, और ऐसी इंटरनेट से सीखना हो गया, या कोडिंग फॉर एग्जांपल हो गई, या वीडियो एडिटर, या ये सारी चीज़ें ये बच्चे इसमें सीख रहे होते हैं 6 से 8 तक। 8 बजे फिर इनकी छुट्टी हो जाती है, सबसे पहले जाते हैं डाइनिंग रूम, वहाँ पर डिनर करते हैं, उसके बाद नमाज पढ़ के नाइटी पहन लेते हैं, उसके बाद
कोई डॉक्यूमेंट्री देखते हैं या कोई रिसर्च करते हैं अपनी 10 बजे तक, फिर 10 बजे सब बच्चे सो जाते हैं। इनको मैं अपने साथ अपने प्रोग्राम विजिट के लिए भी ले जाता हूँ, ये वहाँ पे भी एक छोटी सी स्पीच देते हैं ताकि ये बड़े ऑडियंस को फेस करने का जो गुर है वो हासिल कर सके। तो ये कोई स्कूलिंग सिस्टम नहीं है बल्कि ये यूनिक सिस्टम है। स्कूल में आप देखें तो बच्चा जो है सुबह 8 बजे जाता है, 2 बजे वापस घर आता है। इन सारी चीजों के दरमियान बच्चा सिर्फ 45 मिनट की एक एक सब्जेक्ट की क्लास लेता है जिसमें वो कुछ इम्प्रूव नहीं करता, सिर्फ कॉपी में नोट करते हैं अपने पास चीजें। तो यहाँ पर ये बच्चा जो है अपनी एकेडमिक्स, स्कूल की स्टडीज, ये सारी चीजों के ऊपर भी काम करते हैं, अपनी बिहेवियरल जो क्वालिटीज उनके ऊपर काम करते हैं, अपनी जो पोटेंशियल है उनके ऊपर काम करते हैं, माइंड ट्रेनिंग के ऊपर काम करते हैं, अपनी क्वालिटीज को इम्प्रूव करने के लिए काम करते हैं। इलम कैसे हासिल किया जाता है, इलम कैसे जो है सिखाया जाता है, आगे फॉरवर्ड किया जाता है और इसको जाहिर कैसे किया जाता है, ये डिफरेंट चीजें हैं और इन चीजों को जो है ये बच्चे यहाँ पे सीख रहे हैं। और यहाँ पर जो है जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, मॉर्निंग में 8 बजे से लेकर 10-11 बजे तक ये बच्चे जो है अपनी वही एकेडमिक वाली स्टडीज, वो स्टडी जो कि स्कूल में बच्चे 8 घंटे में पढ़ते हैं, ये बच्चे 2 घंटों में पढ़ते हैं। वेरी नाइस। हमाद, आप अपने टीचर्स को कहाँ देखते हैं, कैसा देखते हैं, उनकी रिस्पेक्ट के मामले में कैसे हैं? मैं चाहता हूँ कि आप पैगाम दें हमारे उन तमाम स्टूडेंट्स को जो के जिनको चाहिए कि टीचर्स की रिस्पेक्ट करेंगे तो वो कामयाबी है उनकी, तो आप कहाँ देखते हैं अपने टीचर्स को? देखिए, मैं आज अगर जो कुछ भी हूँ तो अपने टीचर्स की वजह से हूँ। उन्होंने मेरी मदद की सीखने में, मेरी मदद की सिखाने में, मेरी मदद की अपनी क्वालिटीज को इम्प्रूव करने में, मेरी मदद की अपनी गलतियों को ठीक करने में, मेरी मदद की बड़ा ख्याल जनरेट करने में, मेरी मदद की जो मेरी चैलेंजेस है जिंदगी के उनको सॉल्व करने में और आगे बढ़ने में मेरी मदद कर रहे हैं अभी भी। तो जितने भी लोग देख रहे हैं, जो बच्चे हैं, शागिर्द हैं, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि उस्ताद की इज्जत करो, क्योंकि उस्ताद का जो मर्तबा है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक उस्ताद रूहानी बाप है। तो एक उस्ताद को इतना बड़ा मर्तबा दिया गया, तो अपने उस्ताद की इज्जत करें। वो जो चीज़ आपको सिखाते हैं उनको ना सिर्फ सीखो बल्कि उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो, उसको जाहिर करने की कोशिश करो, ताकि और आपको और बच्चे आपको देखकर इंस्पायर होना शुरू करें और बच्चे आपको देखकर जो है बदलना शुरू करें। तो अपनी टीचर्स की इज्जत करें, क्योंकि टीचर्स जो है वो आपको बादलों से ऊपर परवाज़ और सितारों से आगे जो जहां है उन तक रसाई के लिए उस्ताद आपकी मदद करता है। हमारा आप माशाल्लाह इस उम्र में भी कामयाब हैं और मुझे आपका फ्यूचर में तो माशाल्लाह बहुत कामयाबियां नजर आ रही हैं इंशाल्लाह ताला। तो मुझे बताएं आपके वालदेन का क्या किरदार है, आपको क्या समझ आती है कि आपके वालदेन का क्या रोल है आपकी कामयाबी तक, या अपने वालदेन को आप कहाँ देखते हैं अपने इस सक्सेस में? देखिये, सबसे पहले मेरे वालदेन जो है उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मेरी मदद की ताकि मैं आगे बढ़ सकूं, तो उनकी सपोर्ट की वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ और मैं सीख रहा हूँ और मैं जो है इन बच्चों के साथ हूँ, एक्टिविटीज़ में जो है मैं हिस्सा ले रहा हूँ और आगे जाके जो है पाकिस्तान में जो है डिलीवर कर रहा हूँ, पाकिस्तान की अच्छी तस्वीर पूरी दुनिया को दिखा रहा हूँ। तो अगर घर से आपको सपोर्ट मिले, जो बैकग्राउंड है उससे आपको सपोर्ट मिले, तो ही आप आगे बढ़ सकते हो, वरना तो आप आगे मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है, मुश्किल है आप आगे बढ़ पाओ। माशाल्लाह पाकिस्तान ने आपको बहुत प्यार दिया, बच्चा भी जानता है आपको, बड़े भी जानते हैं, बूढ़े भी जानते हैं, आपका एक नाम है। तो आप क्या समझते हैं पाकिस्तान किधर स्टैंड कर रहा है और पाकिस्तान का फ्यूचर कहाँ देखते हैं आप? देखिए, मैं समझता हूँ सबसे पहले इस कौम की तरबियत करना बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेसिफिकली नौजवानों की तरबियत करना, क्योंकि अगर हम नेक्स्ट जनरेशन के ऊपर काम करेंगे तो क्या होगा, वो नेक्स्ट जनरेशन जब बड़ी होगी तो क्योंकि उनका माइंड बचपन से ऐसा बिल्ड हुआ होगा कि वो बड़े आइडियाज जनरेट करेंगे, तो क्या करेंगे, डेफिनेटली वो आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा मेरा ये मकसद है और मैं चाहता हूँ कि मैं कौम की जो नौजवान है, कौम के जो बच्चे हैं, उन सबको मैं अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के कलाम के हवाले से उनको समझाऊँ। और मैं ये चाहता हूँ कि अगर जिस दिन ये इस कौम के जो लोग हैं उन्होंने अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के कलाम को पढ़ा, सिर्फ पढ़ा नहीं बल्कि समझा और हकीकी मायनों में वो शाहीन बन के दिखा दिया कि जिसके बारे में इकबाल कहते हैं कि तू शाहीन है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है, मतलब तू शाहीन है, एक आसमां पे तूने नहीं रुकना, एक मकसद पे आपने नहीं रुकना, बल्कि आगे इस मकसद के आगे और भी मकासद है जिनको आपने अपनी जिंदगी में अचीव करना है। तो अगर हम असली मानों में इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के वो शाहीन बनेंगे तो क्या होगा, हम अपनी खुदी को बेदार करेंगे, खुदी को बेदार करेंगे क्या होगा, उसकी हिफाजत करेंगे, उसकी हिफाजत करेंगे क्या होगा, वो बंदा वो दूध फरोश दो के दूध में पानी मिलाता था
ताकि उसका मुनाफा ज्यादा हो, तो वो दूध में पानी मिलाना बंद कर देगा। क्या होगा, लोगों को साफ दूध जो है मिलना शुरू हो जाएगा और वो बंदा जो है हलाल कमाएगा। तो हलाल कमाने की वजह से क्या फायदा होगा, वो बंदा आगे की तरफ बढ़ेगा। वो बच्चा जो कि एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर थोड़ा सा भी मौका मिले तो वो अपने दोस्त से चीटिंग करता था या चिट्स बनाता था अपने लिए, वो बच्चा अगर अपने खुद ही की हिफाजत करेगा तो क्या करेगा, अल्लाह के डर की वजह से वो बच्चा चीटिंग नहीं करेगा। तो जब वो चीटिंग नहीं करेगा क्या होगा, वो सच्चाई के रास्ते पर जाएगा और साफ नीयत के साथ वो आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। तो जब हम खुद ही को बिल्ड करेंगे, उसकी हिफाजत करेंगे, तो क्या होगा, हमारा एक अकाउंट बन जाएगा अपना अल्लाह ताला के साथ, जिसमें हम 1 लाख रुपया डालेंगे, आगे से जो है हमें 10 लाख रुपया मिलेंगे। तो जिस दिन हम खुद ही को समझ गए, खुद ही को बेदार करना समझ गए, उसकी हिफाजत करना समझ गए, तो उस दिन हम पाकिस्तान के बनाने के मकसद को समझ जाएंगे। क्योंकि पाकिस्तान के बनाने का जो मकसद था, पाकिस्तान के पीछे जो नजरिया था, वो नजरिया इकबाल ने फलसफे खुद ही के बुनियाद पर बनाया। तो अगर हम उस फलसफे खुद ही को अचीव करेंगे, उसको जो है जिसको हम द पावर ऑफ फेथ भी कहते हैं, हम उसको बिल्ड करेंगे, उसकी हिफाजत करेंगे, तो क्या होगा, हम पाकिस्तान के नजरिए के साथ कनेक्ट होंगे। पाकिस्तान के नजरिए के साथ कनेक्ट होंगे, क्या होगा, पूरे कौम में जितने भी लोग हैं उन सबका मकसद जो एक हो जाएगा। आज तो हमारा नजरिया कुछ और है, लेकिन हमारे नौजवान, हमारे जो कौम के बच्चे हैं, वो किसी और चीज की तरफ जाते हैं, वो कोई और नजरिया रखते हैं। तो क्या हो जाएगा, हम सबका नजरिया एक ही नजरिया हो जाएगा, जो कि पाकिस्तान का नजरिया। तो डेफिनेटली पाकिस्तान विल ग्रो। मुझे ये बताएं कि आप इकबाल को, आपने इकबाल पे बहुत सारे लेक्चर दिए, आपके स्टार्ट जब आपने अपना ये स्टार्ट लिया, तो मैंने एक देखा कि आपने एक यूनिवर्सिटी में इकबाल पे लेक्चर दे रहे थे, पेशावर यूनिवर्सिटी शायद आप उधर गए थे। ये इकबाल ही क्यों आपकी जिंदगी में, जिसने आपके अंदर कुछ तब्दीली लेके आए, कोई और शख्सियत भी तो हो सकती थी, इकबाल ही क्यों? देखिये, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, सबसे पहली बात उनकी मैं आपको बताऊँ, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही जबरदस्त बात है, कि इकबाल रहमतुल्लाह अलैह कभी कुरान और सुन्नत से बाहर नहीं गए। उनका जो कलाम भी आप स्टडी करते हो, उनका जो है, अगर फॉर एग्जांपल आप खुद ही को स्टडी करते हो, तो खुद ही और फेथ की बात अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी की है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उसके ऊपर बात की है। तो इकबाल क्या करते हैं, वो सुन्नत को उठाते हैं और वो कुरान मजीद की आयतों को उठाते हैं और अपने अल्फाज में ऐसा खुद ही जो है वो नौजवानों को एक्सप्लेन करते हैं आसान अल्फाज में, ताकि नौजवान उसको समझ जाए। अभी कुरान मजीद की एक आयत है, वो अभी मेरे जहन से निकल रही है, उसके ऊपर इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने उसको लिया था और उसको आसान करने के लिए फरमाया था उन्होंने कि मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी में, इसलिए मुसलमान मैं, इसलिए नमाजी। आयत याद आ गई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत यह है कि इन्नस्सलाती वनुसुकी वमहयाई वममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो इसी को इकबाल ने उठा के इसी आयत को उसने अपने अल्फाज में एक्सप्लेन किया। तो सबसे पहली बात, वो कुरान और सुन्नत से बाहर नहीं गए, बल्कि उन्होंने जो भी बयान किया है वो कुरान और सुन्नत के दायरे में रहकर उन्होंने बयान किया है, जो कि उनके कलाम को बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है। उसके अलावा जो है, इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, अगर आप उनको देखें तो वो खुद फरमाते हैं, और बल्कि बहुत सारे जो बड़े लोग हैं उन्होंने भी ये फरमाया था कि इकबाल इकबाल ना बन पाता अगर उसकी जिंदगी में वेस्ट का किरदार ना होता। तो इकबाल जो है, वो इकबाल रहमतुल्लाह अलैह गए थे वेस्ट, जर्मनी गए थे और लंदन गए थे, वहां से उन्होंने इलम हासिल किया था और वहां पे उन्होंने उनकी सिविलाइजेशन को पढ़ा था। तो उनकी सिविलाइजेशन को पढ़ने के बाद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह उनकी दिमागों को पढ़ पा रहे थे। उनकी दिमागों को पढ़ पाने के बाद वो जब वापस सब कॉन्टिनेंट आए, तो उन्होंने क्या किया, मुसलमानों की तरबियत वहां पर करना शुरू की और मुसलमानों को बताया कि ये जो डेमोक्रेसी है या जो सिविलाइजेशन है अंग्रेजों की, ये तो बाहर से जो है वो आपको रोशन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अंदरून से जो है ये चंगेज से तारीख तर है, चंगेज से ज्यादा तारीख तर है। उनको ये बताया कि जो शाख नाजर पे अशियाना बनेगा ये नापायदार होगा, तो उनको उन्होंने गाइड करने की कोशिश की और आगे बढ़ाने की कोशिश की। तो क्या हुआ, जब मुसलमान समझ गए तो वो दोबारा उठ गए और कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह की तरबियत की इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने, और फिर वही मुसलमान कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह के साथ मिल गए और आगे जाके जो है उन्होंने एक मुल्क बनाया पाकिस्तान के नाम से और फलसफे खुद ही के बुनियाद पर। तो इसीलिए मैं उनके कलाम को पढ़ता हूँ, क्योंकि सबसे पहली बात जो मैंने आपको बताई कि वो कुरान और सुन्नत से बाहर नहीं गए। इकबाल का कलाम जिंदा रूद है, उसकी एक घूंट पीने के बाद इंसान हमेशा हमेशा के लिए लोगों के दिलों में जिंदा रहता है। अगर हमारी पाकिस्तान की कौम 1% भी इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के कलाम को समझ गई, तो वो मकाम हासिल करेंगे कि फिर उनके हाथ में लोहे कलम आएगा और फिर वो जो मर्जी उनकी है वो तकदीर लिखे, वो तकदीर उसको जो है मिल जाएगी, वो तकदीर वो लोग हासिल करेंगे इंशाल्लाह। मुझे तो लगता है कि
इकबाल के साथ साथ आप हमें यकीन दिला रहे हैं कि हमें कुरान को नहीं छोड़ना, हमें हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को नहीं छोड़ना। तो मुझे लगता है कि बैक पे आपके ऊपर एक इस्लाम जो दीन है हमारा, जो तरबियत कर रहा है वो है। इकबाल ने तो चूंकि वहीं से स्टडी किया ना सारा, जो आप जिसको आगे लेके चल रहे हैं, आप इकबाल के फॉलोअर में से हैं, तो आपको क्या लगता है कि यस पीछे दीन है जो सारा कुछ चला रहा है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है कहीं पर? देखिए, क्योंकि इस्लाम जो है ये जिंदगी गुजारने का एक तरीका है, यह आपको बताता है कि आपने जिंदगी कैसे गुजारनी है। तो जब आप ये सीखते हो कि एक जिंदगी को कैसे बेहतरीन तरीके से जो है स्पेंड किया जाता है और कैसे बेहतरीन तरीके से जिया जाता है, तो आप क्या करते हो, डेफिनेटली अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हो। तो मैं समझता हूँ क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबे में बात कही थी जिसका मफहूम यह है कि मैं अपने जाने के बाद एक कुरान और अपनी एक सुन्नत पीछे छोड़ के जा रहा हूँ, अगर तुम लोग उन चीजों को उठाओगे और उसके ऊपर काम करोगे तो तुम बेशक अल्लाह के रास्ते में, जो सिराते मुस्तकीम है, जो सीधा रास्ता है, तुम बेशक उसके ऊपर आगे बढ़ोगे और तुम्हें कामयाबी मिलेगी अपनी जिंदगी में। तो हमें चाहिए कि हम कुरान मजीद को, तो उसकी हिफ्ज बहुत लोग कर रहे हैं, उसको सीख तो बहुत कुछ लोग कर रहे हैं, लेकिन समझ कोई कोई कर रहा है। देखिये, हम एक दफा अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह जो है कुरान मजीद पढ़ रहे थे, तो उनके वालिद साहब पीछे से आ गए, तो उन्होंने अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को कहा, उनसे पूछा कि आप तुम क्या कर रहे हो, तो उन्होंने बोला मैं कुरान मजीद पढ़ रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कुरान मजीद को ऐसे नहीं पढ़ना कि तुम उसको पढ़ते जा रहे हो, कुरान मजीद को ऐसे पढ़ना है कि तुम उसकी एक आयत को पढ़ो तो तुम उस वक्त में जाओ कि जिस वक्त की वो बात कर रहा है, और उसको अपनी आंखों से देखो और उसको फील करो। तो एक दफा ऐसा हुआ कि जो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के जो सर्वेंट थे, तो उन्होंने ये बात कही थी कि मैं जब भी अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह कुरान मजीद पढ़ते थे, कुरान मजीद पढ़ने के बाद मैं जब वो कुरान मजीद उठाता था वो गीला होता था। गीला क्यों होता था? क्योंकि जब वो उसको पढ़ते थे तो वो उसको समझते थे, उनके दिमाग में तस्वीर बनती थी, तो जब उनको समझते थे तो उनकी आंखों से आंसू आते थे, उन आंसू की वजह से वो कुरान मजीद पूरा जो है भीग जाता था। तो इसलिए हमने सिर्फ कुरान मजीद को पढ़ना नहीं है बल्कि उसको समझना है, और अल्लाह ताला ने जो पैगाम हमें दिया कुरान मजीद में, उस पैगाम को हमने हासिल करना है ताकि हम सीधे रास्ते को पकड़ लें, हम सच्चाई के साथ और खालिस नीयत के साथ आगे बढ़े और अपनी जिंदगी में एक मकाम हासिल करें।